नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और वक्त चलाए खबरों का। जहां पर देखिए, पूर्णिया में लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने धमदाह में कई जगहों पर पार्टी के चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ करने के बाद जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तक बिहारीगंज कुरसेला रेलवे लाइन का काम नहीं शुरू हो पाया और विकास के नाम पर पूर्णिया को सिर्फ छलने का काम किया गया। तो भाई, उन्होंने पीएम मोदी के पूर्णिया आगमन पर कहा कि पूर्णिया में उनका स्वागत है, लेकिन वो पूर्णिया में विकास की बात करें और यहां की समस्या पर बात करें। अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है तो फिर पूर्णिया नहीं आए। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से हमारे संवाददाता सुशांत कुमार ने खास बातचीत की है, सुनिए। पप्पू यादव इन दिनों अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। हमारे साथ भी मौजूद है पप्पू यादव, आइए उनसे जानते हैं। आज उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है जो लोकसभा सीट उसको लेकर, आइए उनसे मिलकर जानते हैं क्या है पूरा ये मामला। आपने आज एक बड़ा बयान दिया है कि बनारस से ज्यादा पूर्णिया लोकसभा की चर्चा हो रही है, क्या है जो है वो है। अच्छा, कुरसेला वाला रेल लाइन आज तक क्यों नहीं बन पाया? कुरसेला वाला रेल लाइन इतने दिन हो गया, आज तक नहीं बन पाया। तो मैंने कहा, मैंने शिलान्यास किया था, उन लोगों से पूछे ना जो 20 साल थे, उनको बताना चाहिए जनता में क्या क्या किए हैं वो। अच्छा, कल मोदी जी आ रहे हैं पूर्णिया, स्वागत करेंगे, विशेष पैकेज दे दे, मक्का और मखान पर फैक्ट्री दे दे, एयरपोर्ट दे दे, कनेक्टिविटी दे दे, कुरसेला का लाइन शुरू कर दे, बाढ़ से मुक्ति कर दे, पूर्णिया को राजधानी बना दे, हाईकोर्ट बेंच दे दे, अन्यथा नहीं आवे। आए तो स्वागत करेंगे, लेकिन पूर्णिया के लोगों के पलायन को रोकने की हिम्मत है तो आए, विशेष राष्ट्र का दर्जा देने की हिम्मत है तो आए, विशेष पैकेज देने की हिम्मत है तो आए, और नहीं है सिर्फ हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाने का है तो सीमांचल की धरती का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, आपके आवास पर पुलिस की रेड पड़ी थी, कौन लोग वो रेड करवाए थे? आप लोग लगातार रोक लगाए थे? मैं नहीं जानता हूँ, रेड पड़ता रहेगा, गाली देता रहेगा, लोग मारते रहेंगे, हमको कोई चिंता नहीं है। मैं मुझे कोई चिंता का अवसर नहीं। ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, जिन्होंने सारी बातों पर बयान दिया और पूर्णिया में खास करके रेल लाइन का जो मुद्दा है कुरसेला का, उस पर आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है और इसके लिए जो लगातार सांसद रहे उन पर सवाल उठाया है। साथ ही पीएम मोदी का जो कल कार्यक्रम है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया, स्वागत करते हुए कहा कि जो पूर्णिया की समस्या है उस पर वो बात करें, वो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते, ऐसा पप्पू यादव ने आरोप लगाया है। सुशांत कुमार, न्यूज नेशन, पूर्णिया।